वुंड हीलिंग एंड इट्स मैनेजमेंट। वुंड हीलिंग और वुंड रिपेयर इज़ द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आफ्टर इंजरी। द इंटायर वुंड हीलिंग प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिगिन्स एट द मोमेंट ऑफ इंजरी एंड कैन कंटिन्यू फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। वुंड हीलिंग का जो फेज होता है इसको थ्री फेज में डिवाइड किया गया है और कुछ बुक्स में इसे फोर फेज में डिवाइड किया गया है। जो थ्री फेजेस हैं मेन, इन्फ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड मैचुरेशन एंड रीमॉडलिंग फेज। जिन बुक्स में फोर फेज बताए गए हैं उसमें इन्फ्लेमेटरी फेज से पहले हिमेटमेसिस जो फेज हो, हीमोस्टेसिस का फेज बताया गया है, जिसमें सबसे पहले ब्लीडिंग चेक की जाती है या ब्लीडिंग रुकने का अमल जो होता है, टू चेक द ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज हीमोस्टेसिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस इन्फ्लेमेटरी फेज। उससे पहले क्लॉटिंग कैस्केड, इंजरी टू वैस्कुलर टिश्यू इनिशिएट द एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन कैस्केड। सबसे पहले क्या होगा, ब्लड वेसल की इंजरी होगी, उस इंजरी के नतीजे में कुछ एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन कैस्केड इनिशिएट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा सेलुलर कैल्शियम रिलीज होती है और कुछ टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं जो फैक्टर 7 को एक्टिवेट करते हैं, जिसके नतीजे में फाइब्रिन प्लग बनता है और हीमोस्टेसिस अच्छी होती है, जो कि लैटिस की तरह एक्ट करता है और वहाँ पर प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर सेल टाइप होती है अर्ली इन्फ्लेमेटरी फेज में, वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना। ज़ख्म लगने के कुछ मिनटों के बाद ही थ्रोम्बोसाइट्स दैट इज़ प्लेटलेट जो होते हैं वो वहाँ पे एग्रीगेट हो जाते हैं और फाइब्रिन क्लॉट बनाते हैं। प्लेटलेट जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो ये सिक्रेट करते हैं इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स को, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन उनकी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, जिसके नतीजे में ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक मास बनाते हैं। यही मास जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और हीमोस्टेसिस कॉज करता है। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन और वासोडायलेटेशन, जब कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के डैमेज होने से वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जो कि थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं ताकि फर्दर ब्लड लॉस ना हो और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पर अकुमुलेट हो और कुछ इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स उस जगह पर आएँ। ये वासोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो 5 से 10 मिनट तक रहता है, जिसके बाद वासोडायलेटेशन होता है, जो कि वुंड के 20 मिनट के बाद सबसे पीक लेवल पे होता है वासोडायलेटेशन। वासोडायलेटेशन ये प्लेटलेट और अदर फैक्टर्स के रिलीज़ होने की वजह से होता है। जो मेन फैक्टर है वो हिस्टामिन है, ये मेन फैक्टर है वासोडायलेटेशन कॉज करने के लिए। हिस्टामिन आल्सो कॉजेज वैस्कुलर, हिस्टामिन के नतीजे में वैस्कुलर परमियबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वुंड साइट पर इन्फ्लामेटरी सेल जैसे कि ल्यूकोसाइट्स और ख़ास तौर पे
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर और न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं वुंड साइट पर। ज़ख्म लगने के एक घंटे के अंदर न्यूट्रोफिल्स वुंड साइट पर आ जाते हैं और वहाँ पर प्रीडोमिनेंट सेल जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दो दिनों तक। ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फैगोसाइटोसिस के ज़रिए वहाँ के बैक्टीरिया को किल करते हैं और ये जो फैगोसाइटोसिस का अमल होता है ये फ्री रेडिकल्स को रिलीज़ करते हैं उसके ज़रिए होता है। इसी तरह से ये ज़ख्म को साफ़ रखते हैं। जो डैमेज टिश्यू होती है उसको ब्रेक करते हैं प्रोटीएज का रिलीज़ करके, ठीक है। वहाँ पर वो लोग सीक्रेट करते हैं प्रोटीएज को जो कि डैमेज टिश्यू को ब्रेक करते हैं। इसी तरह से पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये एपोप्टोसिस का शिकार होते हैं जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। इनका दो काम होता है, बैक्टीरिया को इंगल्फ करना और डैमेज टिश्यू को ब्रेक डाउन करना। ये दोनों काम अपना करने के बाद ये एपोप्टोसिस का शिकार हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस जो है उनको डिग्रेड कर देते हैं। जब न्यूट्रोफिल्स को मैक्रोफेजेस डिग्रेड करते हैं तो दो दिनों के बाद वुंड साइट पर मैक्रोफेजेस जो है इसेंशियल टू मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये वुंड साइट पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं या अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं क्योंकि ये इंगल्फ करने लगते हैं, डिग्रेड कर देते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स को जो कि दो दिनों तक के प्रीडोमिनेंट सेल होता है वुंड साइट पर। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस को और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो के प्लेटिलेट और अदर सेल की ज़रिए रिलीज़ होते हैं वुंड साइट पर वो वजह बनते हैं इन मैक्रोफेजेस के अट्रैक्शन की वुंड साइट पर। जब वुंड साइट पर मोनोसाइट अकुमुलेट हो जाते हैं जमा हो जाते हैं तो वहाँ पहुँच कर वो मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस बनाते हैं। मैक्रोफेजेस का भी मेन काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं और डैमेज टिश्यू को वहाँ से हटाते हैं वुंड साइट से इंगल्फ करते हैं और ये रिलीज़ करते हैं प्रोटीएजेस को। इसी तरह से डिब्राइडमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू ये काम भी मैक्रोफेजेस करते हैं। इसी तरह से मैक्रोफेजेस बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर को और दूसरे साइटोकाइंस को भी रिलीज़ करते हैं जो कि प्रोलिफ्रेशन स्टेज में अहम रोल अदा करता है। नाउ प्रोलिफ्रेटिव फेज, जब इन्फ्लेमेटरी स्टेज ख़त्म हो जाती है तो प्रोलिफ्रेटिव स्टेज स्टार्ट होती है जो कि 3 हफ्ते तक या उससे ज़्यादा, ये डिपेंड करता है ज़ख्म की सीवियरिटी पर कि ये प्रोलिफ्रेटिव स्टेज जो है वो कब तक रहेगी। प्रोलिफ्रेटिव स्टेज का मेन मकसद ये होता है कि रिपेयर द वुंडेड टिश्यू। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी, इस फेज़ में क्या क्या
मेन कैस्केड्स होंगे एंजियोजेनेसिस, नए वेसल्स बनेंगे, फाइब्रोप्लेसिया, फाइब्रोब्लास्ट बनते हैं इसमें, इसी तरह से ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है, एपिथेलियलाइजेशन होता है और वुन कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रोलिफ्रेटिव फेज में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस ये क्या है? प्रोसेस ऑफ न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, और ये बहुत ही ज़रूरी फेज़ है हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि न्यू ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये नए वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल से बनते हैं। एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ये वुंड साइट पर कुछ केमिकल्स के ज़रिए अट्रैक्ट होते हैं जो कि एंजियोजेनिक फैक्टर्स कहलाते हैं, रिलीज्ड बाय प्लेटिलेट और मैक्रोफेजेस के ज़रिए रिलीज होते हैं ये लोग। मैक्रोफेजेस और प्लेटिलेट्स कुछ एंजियोजेनिक फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में एंडोथेलियल सेल जो है वो वुंड साइट पर अट्रैक्ट होते हैं और इन्हीं एंडोथेलियल सेल से नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जो एंडोथेलियल ग्रोथ होती है और उसका प्रोलिफ्रेशन होता है, इसकी स्टिमुलेशन की वजह हाइपोक्सिया और प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड होता है। वुंड साइट पर ऑक्सीजन की कमी और लैक्टिक एसिड की मौजूदगी ये भी वजह बनती है एंडोथेलियल ग्रोथ की और प्रोलिफ्रेशन की। सेकंड थिंग, फाइब्रोप्लेसिया और ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये आल्सो एक्यूमुलेट होते हैं वुंड साइट पर दूसरे से पाँच सेकंड टू फिफ्थ डे ऑफ वुंड और एक से दो हफ्ते फर्स्ट या सेकंड वीक में ये पीक लेवल पे होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये वुंड बेड में अकुमुलेट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, बाद में कोलाजेन और ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होते हैं इसमें क्या क्या होता है? न्यू ब्लड वेसल्स होती है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रैनुलेशन टिश्यू में मौजूद होती हैं, या ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो फॉर्म होती है न्यू ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, इन्फ्लामेटरी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के। उसके बाद एपिथेलियलाइजेशन स्टार्ट होता है। एपिथेलियल सेल्स जो है वो माइग्रेट होते हैं अक्रॉस द ग्रैनुलेशन टिश्यू और एक बैरियर फॉर्म करते हैं वुंड और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उन दोनों के दरमियान में। जो बेसल केराटिनोसाइट्स होते हैं वो वुंड एज और डर्मल अपेंडेजेस जैसे कि हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड से निकल के ये मेन सेल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिथेलियलाइजेशन फेज़ के लिए। एपिथेलियलाइजेशन फेज इज कंप्लीटेड विद इन 7 to 10 days, 7 to 10 days में एपिथेलियलाइजेशन का अमल कंप्लीट होता है। वुंड कॉन्ट्रैक्शन ये लास्ट फेज है प्रोलिफरेटिव फेज का। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है या ये की फेज़ होता है वुंड हीलिंग में? अगर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहे ज़्यादा वक्त के लिए तो इसके नतीजे में डिसफिगरमेंट हो जाता है और उस पार्ट का फंक्शन भी लॉस हो सकता है।
कॉन्ट्रैक्शन का अमल जो होता है ज़ख्म लगने के कम से कम एक हफ्ते के बाद हो जाता बाद होता है, जब फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट में। ये प्रोसेस सेवरल वीक तक कंटिन्यू हो सकता है। जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये स्मूथ मसल सेल्स के मुशाबा होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के। उसके बाद लास्ट फेज है मैचुरेशन एंड रीमॉडलिंग फेज। मैचुरेशन फेज जो होता है वो टिश्यू रिपेयर इस लेवल पे बिगिन स्टार्ट हो जाता है, कोलाजिन प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन ऑफ इक्वलाइजेस इस फेज में। इसमें मैचुरेशन फेज ये कंटिन्यू कर सकता है साल या उससे भी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है वुंड साइज पर। मैचुरेशन का फेज़ ये दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ ऑफ वुंड और ये चीज़ पर कि वुंड इनिशियली क्लोज था या ओपन रहा था, ओपन रहा यानी ये प्राइमरी इंटेंशन से क्लोज हुआ है या सेकेंडरी इंटेंशन से, इस चीज़ पर डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ मैचुरेशन। टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग, पहले हमने फेस देखा था, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। हीलिंग जो है वो तीन तरीके से हो सकती है, प्राइमरी इंटेंशन के ज़रिए, सेकेंडरी इंटेंशन या डिलेड प्राइमरी क्लोजर जिसे हम टर्शियरी इंटेंशन भी कह सकते हैं। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन दैट इज प्राइमरी क्लोजर, इसमें जो वुंड होता है ये असेप्टिकली विथ मिनिमल टिश्यू डैमेज, ज़ख्म जो है वो असेप्टिक होगा और इसमें मिनिमल टिश्यू डैमेज होगा। इस कंडीशन में जो हीलिंग होती है वो अप्रोक्सीमेशन ऑफ टिश्यू एजेस के ज़रिए और विथ सूचर स्टेपल्स वुंड सीलेंट के ज़रिए से, दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ वुंड क्लोजर। इसमें हम जो ज़ख्म के दोनों किनारे हैं उनको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, करीब ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सेप्सिस नहीं है और मिनिमल टिश्यू डैमेज हुआ है, ये कहलाता है प्राइमरी क्लोजर। हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन दैट इज़ सेकेंडरी क्लोजर, ये ऐसे ज़ख्म में होती है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और जिन्हें कुछ वक्त के लिए हम खुला छोड़ देते हैं और हम इस ऐसे ज़ख्मों को अलाउ करते हैं कि वो भर उनकी जो हीलिंग हो जाए वो एपिथेलियलाइजेशन के ज़रिए हो। जो प्राइमरी वुंड हीलिंग होती है वो ग्रैनुलेशन टिश्यू के ज़रिए ग्रैनुलेशन के ज़रिए होती है और उसमें मिनिमल टिश्यू डैमेज होता है, लेकिन जो सेकेंडरी हीलिंग या सेकेंडरी इंटेंशन होगा उसमें टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा और जो एजेस होंगी वुंड की वो एक दूसरे से अपार्ट होंगी जिसे हम क्लोज नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेपल और सूचरिंग, और वहाँ पर एपिथेलियलाइजेशन के लिए हमें ज़ख्मों को खुला छोड़ना होगा। इसमें एपिथेलियलाइजेशन और वुंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ होगी।
जब वून कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वून के दोनों एजेस जो हैं वो कम विल कम क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या जख्म में क्या क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, एक्सेसिव ट्रॉमा, टिश्यू लॉस, जिसकी नतीजे में हम टिश्यू एजेस को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे, और ये जो प्रोसेस होगा ये स्लो प्रोसेस होगा। हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन या डिलेड प्राइमरी क्लोजर, ये ऐसे जख्मों में होता है जो कि हेवीली कंटामिनेटेड हो और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो अगर हम इसे क्लोज कर देंगे, तो ऐसे जख्मों को हम पहले क्लोज नहीं करते हैं। तीन से पाँच दिनों तक हम इसको ओपन छोड़ देते हैं और वुंड को डेली क्लीनिंग करेंगे और वुंड को अलाउ करेंगे कि वो क्लीन रहे बाय द बॉडीज़ नेचुरल डिफेंस सिस्टम और बैक्टीरिया काउंट वहाँ पर कम हो जाए। जब 3 से 5 दिन में वहाँ पे बैक्टीरिया काउंट कम हो जाएगा बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए, जब वहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगी, WBCs आएंगे और वहाँ का बैक्टीरियल काउंट कम हो जाएगा, उसके बाद वुंड को हम क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूचरिंग और स्टेपलिंग। इसका मेन मकसद ये होता है टू अवॉइड इन्फेक्शन। ये कहलाता है डिलेड प्राइमरी क्लोजर या टर्शियरी इंटेंशन। अब ये देखना कि कौन से फैक्टर्स हैं जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोकल फैक्टर्स और सिस्टमिक फैक्टर्स। पहले देखते हैं लोकल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन होगा तो डिलेड वुंड हीलिंग होगी। इसी तरह से सर्जिकल टेक्निक, अगर फॉल्टी सर्जिकल टेक्निक है, अगर इंस्ट्रूमेंट्स कंटामिनेटेड है या जो वुंड के एजेस है उसको सही तरीके से अप्रोक्सीमेट ना किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हीलिंग डिले होगी। अगर ऐसे पार्ट पे वुंड लगा है जहाँ पे मूवमेंट है, जैसे कि नी जॉइंट, एंकल जॉइंट वगैरह, तो वहाँ पे हीलिंग डिले होगी। अगर हिमाटोमा फॉर्मेशन हो गया है तो इस ऐसी सिचुएशन में भी हीलिंग डिले होगी, जब तक कि वहाँ की अकुमुलेटेड ब्लड को इवैक्यूएट ना किया जाए। अगर वहाँ टिश्यू स्कीमिया हो रहा है, ब्लड वेसल्स रप्चर हुए हैं, इसके अलावा ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है वुंड एरिया में, तो ऐसी कंडीशन में भी इट विल कॉज डिलेड हीलिंग और नो हीलिंग भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हीलिंग के लिए वहाँ पे नए ब्लड वेसल फॉर्मेशन ज़रूरी है और प्रॉपर अमाउंट में ब्लड वेसल्स का होना और न्यू WBCs, फाइब्रोब्लास्ट, इन्फ्लामेटरी सेल, इन सब का पहुंचना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे फॉरेन बॉडी मौजूद होगी तो ये भी डिले करेगी या हीलिंग को रोकेगी या अफेक्ट करेगी। और अगर वुंड पार्ट जो है वो रेडिएशन से एक्सपोजर हो तो वहाँ भी हीलिंग नहीं हो पाती है। इसी तरह से कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स हैं जो हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे एजिंग। आमतौर पे अर्ली एज में या चाइल्डहुड में हीलिंग जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। इन केस ऑफ ओल्ड एज हीलिंग विल बी डिलेड। न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर कोई माल नरिश्ड पेशेंट है
तो इसमें हीलिंग डिले होगी। कुछ ऐसी कंडीशन है या ऐसी डिसीजेज हैं जिसमें पेशेंट मुब्तला हो, जैसे यूरेमिया, जॉन्डिस, डायबिटीज़, मैलिग्नेंसीज और इम्यूनो सप्रेशन जैसे कि HIV वगैरह। तो ऐसे पेशेंट में अगर ज़ख्म होता है तो वो जल्दी नहीं भरेगा या मुश्किल से भरता है। इसी तरह से कुछ हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग, तो ये भी हीलिंग को डिले करते हैं। और अगर पेशेंट कुछ ड्रग्स पर है या वो ड्रग यूज़ कर रहा है जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स और एनसेड्स, तो ये भी वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? वुंड डेहिसेंस हो सकता है, एविसरेशन हो सकता है, इसके अलावा हिमरेज, एक्सेसिव हिमरेज हो सकता है, अडहेजन हो सकता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की मेन वजह क्या है? क्योंकि ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वहाँ से बैक्टीरिया, पैथोजन्स इंटर होके प्रोलिफरेट कर जाएंगे और इन्फेक्शन का कॉज बनेंगे करेंगे। इसी तरह से जैसे कि इसमें कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो हर्निएशन हो सकता है, मतलब बॉडी की कोई इंटरनल विसरा या पार्ट ऑफ विसरा जो है उस ब्रीच कंटिन्यूटी जो हुई है वहाँ से बाहर आ सकते हैं उस ओपनिंग से। इसी तरह से फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, साइनस फॉर्मेशन हो सकता है, सूचर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार बन सकता है, कैलॉइड बन सकता है या फिर उस जख्म में मैलिग्नेंट चेंजेस हो सकते हैं। अब हम उसे वुंड को मैनेज किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो सर्जिकल टॉयलेट कैसे करते हैं? विथ प्राइमरी क्लोज़र के ज़रिए किया जाए या फिर डिलेट क्लोज़र के ज़रिए। डिलेट प्राइमरी क्लोज़र स्किन ग्राफ्टिंग फ्लैप्स के ज़रिए की जा सकती है। वुंड टॉयलेटिंग में मेन आता है सबसे पहले वुंड को क्लीन किया जाए, ब्लीडिंग चेक की जाए, वुंड की ड्रेसिंग की जाए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, बीटाडीन, सेवलॉन से वुंड को अच्छी तरह से क्लीन किया जाए। अगर ज़रूरत हो, ज़्यादा टिश्यू डैमेज हुआ है तो वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग या फिर फ्लैप के ज़रिए सूचरिंग की जाए और वुंड को क्लोज़ किया जाए। दिस इज़ द वुंड हीलिंग एंड वुंड मैनेजमेंट।